मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया गुड डे जॉय इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं और अच्छे से खाना वाना खा रहे हैं, बहुत अच्छे से जो है अपना काम कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स। जो फीमेल्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बॉन्ड है वो शेयर करती हैं फीमेल्स, चाहे वो हमारी मम्मी हो, चाहे वो हमारी वाइफ हो, चाहे वो हमारी बेटी हो, इधर कोई भी। ठीक है, अभी मैं एक स्क्रीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। So, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके पहले जस्ट मुझे एक बार आप लोग मैसेज करके या थम्स अप करके एक बार मुझे साइन करें कि आप लोगों को मेरी आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गुड, ओके। अंकित जी, नरेंद्र जी, सुनीता जी ने मैसेज किया है, ओके कूल। तो हम लोग अपना सेशन जो है वो अब स्टार्ट कर सकते हैं। सो हियर इज द टॉपिक, क्या है फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन। जैसा कि मैंने स्टार्ट होने से पहले बताया कि आज हम लोगों के लिए टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जो है फीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है,
और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सारे जो मेल हैं, सारे जो जेम्स हैं, चाहे वो फादर हो, यहाँ पे जितने भी हमारे साथ में मेंबर्स हैं डे जॉय की फैमिली से रिलेटेड, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, उन सभी लोगों के घर में, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे उनके सिस्टर हो, चाहे उनकी फ्रेंड हो, कोई ना कोई फीमेल जो है वो उनसे जुड़ी हुई है, वो सभी लोग अपनी अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, चाहे उनके रिलेशन में कोई भी फीमेल हो, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक अपनी फीमेल्स के लिए तो होने ही वाला है, बट स्टिल जो सारे मेल है ना, जैसे मैंने बताया कि आप भैया हो सकते हो, आप पापा हो सकते हो, आप दादाजी हो सकते हो, यू नो कोई भी एक्स वाई जेड, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फीमेल तो खुद को बहुत अच्छे से समझती है, बट जरूरी है कि हम फीमेल को समझें, यानी कि आप लोग फीमेल को समझें, क्यों उसकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, क्या नेग्लिजेंस हो रहा है, किन चीजों पे वो ध्यान नहीं देती है, हमें उसकी किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो जो है आज हमारा टॉपिक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बार आप सभी लोग मैसेज करके बताएं कि आज हमारे जो सेशन में कितनी फीमेल्स हैं, अपना नाम जो है वो टेक्स्ट अपना जो मैसेज बॉक्स है, चैट बॉक्स है, उसमें लिख करके मुझे भेजें, ताकि सो दैट मुझे पता चले कि फीमेल है कि नहीं है जिनके लिए हम लोग जो है आज का सेशन करने वाले हैं। क्या वाकई में ये जो सेशन है इसके अंदर कोई फीमेल आ रही है, वो भी सेशन को सुन रही है, इंटरेस्टेड है कि नहीं है, कि अभी तक नहीं आई है? ठीक है, शकुंतला जी हैं, ओके शकुंतला अग्रवाल, कूल। एक मैसेज मुझे मिल गया है, मतलब एक फीमेल तो है, चलो हमारा जो सेशन है वो वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि एक कहावत कही गई है कि एक महिला जब पढ़ती है तो पूरा जो परिवार होता है वो शिक्षित होता है ना, उसकी जो पूरी आने वाली पीढ़ी होती है वो शिक्षित होती है। उसका मेन रीजन मुझे लगता है इसलिए रखा गया होगा क्योंकि शुरू से जो है पापा लोग बाहर गए हैं जॉब करने के लिए हमेशा से, और जो हमारे जेम्स जो है, हम लोगों की जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी जैसा कि बोला जाता है, बट अब ये चीज काफी हद तक नहीं है क्योंकि फीमेल्स को उनके पापा लोग और फैमिली के दूसरे जो जेम्स है वो सभी काफी सपोर्ट करते हैं, नॉट ओनली फॉर अपना हेल्थ के लिए, बाकी उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए। तो हमारे पास शशि रेखा भी हैं, ठीक है, सुनीता जी भी हैं, सुशीला सिंह जी भी हैं, अरे चलो बढ़िया है, काफी हमारे पास हो गई हैं फीमेल, तो अच्छा है। तो सी, ये जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो पहले मैं कुछ बताना चाह रही हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स बोल सकते हैं, या कुछ इम्पॉर्टेंट जरूरी बातें जो है वो मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करूंगी, रिगार्डिंग जो हमारा काम होता है ना, उससे रिलेटेड कि हमें किन चीजों पे खास ध्यान देना है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट में कोई भी सेशन जल्दी से जल्दी जो है लेफ्ट ना हो, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ हम भी हमारा जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये चीज, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे घर में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहली गुरु होती है वो मम्मी होती है, और लाइफ में हमें मम्मी जितना जो है खुद की हेल्थ को इग्नोर करने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए पहले सारी चीजें करती है, खुद के लिए जो चीजें होती है वो बाद में करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही आ जाती है कि किस तरीके से जो है वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं। देन नेक्स्ट इज हाइजीन। हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी हाइजीन से रिलेटेड होती है, क्योंकि महिलाएं जो है वो शर्म करती है, खुल के बता नहीं पाती है, बहुत सारी जो है लेडीज में अवेयरनेस नहीं है इस चीज के लिए कि वो कुछ भी चीज जो है वो हम खुद से शेयर करें आगे रहकर किसी से भी, चाहे हमारे कोई फ्रेंड हो, चाहे हमारे फादर हो, चाहे ब्रदर हो। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है एक फीमेल की लाइफ बनाने के लिए, ये दो चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, हमको पता है कि बोलते हैं ना कि जब इंसान जो है वो बीमार होता है, जब उसको कोई भी परेशानी होती है, तो वो बोलता है कि तुम मेरे सारे पैसे ले लो
और मुझे ठीक कर दो, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, या आजकल तो बाबा लोग भी काफी फेमस हो गए, बट स्टिल आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हेल्थ से और हाइजीन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें आज ध्यान रखना है, और स्पेसिफिकली फीमेल से रिलेटेड। अभी जितने भी मेल हैं वो आप ऐसा नहीं समझे कि ये तो फीमेल से रिलेटेड टॉपिक है तो हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको फीमेल पेशेंट्स भी मिलेगी, ठीक है? उनके साथ कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, क्या चीजें आपको उनसे पूछनी है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किसी दूसरे के लिए नहीं, एटलीस्ट आप खुद के लिए इस चीज को, जो ये टॉपिक है उसको अच्छे से ध्यान से सुने और समझें कि मैं ये क्यों आज आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ ये टॉपिक। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी फीमेल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया कोई और नहीं सही, माँ सही, ठीक है? चाहे आपकी सिस्टर हुई, चाहे आपकी वाइफ हुई, चाहे आपकी फ्रेंड हुई, तो आप कुछ चीजें उनसे ऐसी शेयर कर सकते हैं, उनको कोई ऐसी चीज एडवाइस कर सकते हैं ताकि वो उनकी लाइफ में आगे उनको बहुत ज्यादा जो है हेल्प करने वाली है। तो इसलिए हम लोगों का जो ये टॉपिक है आज का, फीमेल हेल्थ, ठीक है? हम लोग जो ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन्स हेल्थ अवेयरनेस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि जब हमें चीजें पता ही नहीं होगी कि ये चीज कैसे होती है, ये चीज क्या होती है, तो हम उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है आपकी लाइफ में, आपको जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा पहला शिक्षक जो होता है वो हमारी माँ होती है, ठीक है? बट स्टिल हमारी माँ भी एक तरीके से देखा जाए तो एक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन हो सकती है, वो एक डॉक्टर हो सकती है, वो एक बहुत अच्छा हाउस मेकर तो होती ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो अपनी लाइफ में हर एक वो काम करती है, अपने घर का काम करते हुए, अपने बच्चे को पालते हुए, कि कई बार काम करते समय वो अपनी हेल्थ को जो है वो इग्नोर कर देती है, या तो वो जानबूझकर इग्नोर करती है, और या तो दूसरा कारण ये है कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, ठीक है? जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, इसमें अपना चाइल्ड जो है एडल्ट है, लेडी जो है मतलब प्रौढ़ावस्था वाली, बाल्यावस्था वाली, युवावस्था वाली, वृद्धावस्था वाली, तीनों चारों तरीके की जो है लेडीज दिखाई गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी स्माइल, क्योंकि जब आप हेल्दी रहोगे तो आप खुद जो है वो हेल्दीनेस फैलाओगे, वो जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी वो पॉजिटिविटी आप फैलाओगे। और आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि अगर हम किसी को दे सकते हैं तो वो है कि हम किसी को रिस्पेक्ट दें, हम किसी को अच्छी एडवाइस दें, ठीक है? और हम किसी को अच्छी एडवाइस तब दे सकते हैं जब हम फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे, क्योंकि अगर हमने वो सारी चीजें देखी है हमारी लाइफ में तो हम अपनी एक्सपीरियंस से सामने वाले को भी एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये चीज करें, ये चीज खाएं, इस चीज को फॉलो करें। अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप क्या एडवाइस करोगे, क्योंकि आप खुद उस चीज से जूझ रहे हो, आप खुद उस चीज से परेशान हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज कि आपको अवेयरनेस फैलानी है हेल्थ से रिलेटेड, आप किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, किसी भी चीज को समझने के लिए अगर हमारे अंदर उस चीज को समझने की जागरूकता होगी, ठीक है, उस चीज को समझने की हमारे अंदर इच्छा होगी, तो हम उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? किस तरीके से जो कम्युनिटी के लिए वुमेन की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है? किस तरीके से आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वे करवाता रहता है, देखते रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे जो है डाटाज जो है वो कलेक्ट करके आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखा जाए तो एक ऑन एन एवरेज जो फीमेल की लाइफ है वो मेल से ज्यादा होती है। इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहती है, इस कारण से भी बोल सकते हैं कि दैट मे बी अ रीजन। बाकी इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट खास रीजन नहीं है कि क्यों उनकी एज जो है ऑन एन एवरेज, ठीक है, एक मोटा मोटा तौर पे जो है मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से जो है मेल की कंपैरिजन में जो फीमेल है वो थोड़ा सा जो है अपनी लाइफ स्पैन को जो है ज्यादा जीती है, ठीक है? बट स्टिल उसके अलावा भी, ज्यादा जीने के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनकी लाइफ में ऐसे हैं जो एक तरीके से उनकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो हर दिन अप्रोक्सीमेटली 8:30 जो वुमेन है वो मरती है, किसकी वजह से, प्रिवेंटिबल कॉजेज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी ना, प्रिवेंटिबल
प्रिवेंटेबल कॉजेज, यानी कि जिसको हम बचा सकते हैं। एक मोटा मोटा तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको थ्रू आउट प्रेगनेंसी मल्टीविटामिन्स, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये वाले सप्लीमेंट्स जो है वो लेते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ से न्यूट्रिशन लेता है, माँ से पूरा जो न्यूट्रिशन है अपनी तरफ खींचता है। और अगर माँ न्यूट्रिशन नहीं लेगी तो वो अल्टीमेटली जो है वो वीक होगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे यही है कि प्रिवेंटिबल कॉजेज, यानी कि जिन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, स्टिल हम उसको नहीं ठीक कर पा रहे हैं, दैट मे बी बिकॉज ऑफ की अवेयरनेस नहीं है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ की लिटरेसी नहीं है, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल फीमेल जो है वो ध्यान ही नहीं देती है, या ये हो सकता है कि उनके जो फैमिली वाले हैं वो ध्यान नहीं देते। स्टिल आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है, बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स जो है वो चला रही हैं, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ हेल्थ वर्क हेल्थ केयर जो अपने सेंटर्स हैं, है ना, आंगनबाड़ी हो गया, PHC, CHC हो गया, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये वाली जो टेबलेट्स रहती हैं वो फीमेल्स को देती हैं, लेकिन तो भी वो नहीं लेते। ठीक है, तो हम लोगों को आज, क्योंकि फीमेल एक जो टॉपिक है फीमेल हेल्थ और हाइजीन का, ये पर्सनली जो है हम तब समझ सकते हैं जब हमने ऐसे लोगों को देखा हो। ठीक है, और बीइंग अ डॉक्टर मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको देख करके मुझे बहुत जो है दया आती है, बहुत शर्म बात आती है, बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो लोग सुनते ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो आप लोगों का हेल्थ वर्कर होने के नाते ये टॉपिक से आप जो भी सीखेंगे, आप सभी लोग प्लीज इसको बहुत अच्छे से शेयर करें, और बहुत अच्छे से जो है अवेयरनेस लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए लेकर के आए। सिर्फ अगर आप अपनी फैमिली में भी फीमेल्स को सपोर्ट करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी बहुत सारा जो है हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताया प्रिवेंटेबल कॉजेज है, तो प्रिवेंटेबल कॉजेज जब हमको कॉज पता चल गया है, उसका ट्रीटमेंट है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करवाना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि वुमेन जो है बहुत ज्यादा एज की होने के बाद में उनकी डिलीवरी होती है, या फिर बहुत कम एज में उनकी डिलीवरी होती है, तो ये सारी बहुत सारी एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। और ये टॉपिक एक ऐसा है कि हम उसको कितना सारा बोले वो कम पड़ेगा। तो अभी एक की पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वुमेन के मरने का जो है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये मेल के अंदर भी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि मेल्स जो है इससे नहीं अफेक्ट होते हैं। ठीक है, जो लंग प्रॉब्लम है, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज है, जो भी एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जो एक दूसरे से एक से दूसरे इंसान को नहीं फैलती है, बट स्टिल वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, वो सभी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो होती है। और लेकिन यही है बात कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो इस चीज को समझते हैं, वो इस चीज को ध्यान देते हैं, वो इस चीज को फॉलो करते हैं, तो वो अपनी स्टेज जो है वो पार कर जाते हैं। और जो ध्यान नहीं देते हैं, अपना अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं, वो इस चीज से बहुत ज्यादा सफर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर और शुगर जो है उसकी मेडिसिन बंद नहीं होती है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मतलब दवाई जो है हमको लेनी पड़ेगी। उनको इतना इस चीज के लिए सरप्राइज फील होता है कि जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझते, जो गुड और बैड जो एक फेज होता है, गुड और बैड जो एक रेशियो होता है, वो ये चीज नहीं समझ सकते कि दवाई तो हमें लेना पड़ेगा, लेकिन दवाई से हमें कितने फायदे होंगे। ठीक है, ये चीजें हम नहीं समझ पाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जितनी भी है वो सारी टॉप कॉजेज है वुमेन हेल्थ, वुमेन्स के डेथ की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जैसे कि मैंने बताया कि वो नेग्लेक्ट करती हैं, टाइम से मेडिसिन नहीं लेती हैं, ध्यान नहीं रखती हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है उसमें जो HIV, जिससे फीमेल जो है ज्यादा नंबर है फीमेल्स का जो इससे सफर होती है, इसका भी मेन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनके अंदर लिटरेसी नहीं है, उन्हें खुद की हेल्थ से रिलेटेड जो है ज्ञान ही नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबली जो है हर 3 में से एक महिला जो है वो चाहे फिजिकल हो चाहे सेक्सुअल हो, उसके वायलेंस से जो है सफर करती है। ठीक है, बहुत भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये है, और इसके अंदर बहुत एक कॉमन फैक्टर जो है हमको देखने के लिए मिलता है
स्टिल जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं वो मेल्स के साथ भी होते हैं, बट क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो लोग शेयर नहीं करते हैं या शेयर नहीं कर पाते हैं, तो सेम जो इश्यू है वो फीमेल्स के साथ भी होता है, वो नहीं बता पाती हैं कि उनके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। स्टिल ये जो चीज़ है वो एक मेंटल जो प्रेशर है, एक मेंटल टेंशन है, इसको जो है जन्म देती है। ठीक, और उसी से हमारे पास आता है यूनिपोलर जो डिप्रेशन होता है ना, इज ट्वाइस एज कॉमन इन वुमेन। यूनिपोलर डिप्रेशन यानी कि जैसे एक तो बाइपोलर डिप्रेशन होता है जिसमें वो कभी खुश होंगी कभी दुखी होंगी, बट कोई भी एक ही फेस को अगर वो लेकर के चल रही हैं, दैट इज यूनिपोलर डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज फीमेल हेल्थ वर्कर्स कंप्राइजेस 70% ऑफ द हेल्थ वर्क फोर्स वर्ल्ड वाइड। अगर हम देखा जाए हमें तो 70% जो है वो फीमेल हेल्थ वर्कर्स है। ठीक है, इसीलिए मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले पूछा था कि कितनी फीमेल्स है, और मुझे मतलब देख करके नंबर जो है वो अच्छा तो नहीं लगा कि बहुत कम जो है फीमेल्स ने मैसेज किया था, बट आई एम हैप्पी क्योंकि हमें लाइफ में जो है सेटिस्फाइड रहना सीखना चाहिए। तो मैं खुश हूँ कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो फीमेल वर्कर्स हैं जिनको आज हम ये चीजें जो है बताने वाले हैं, तो वो आगे जो है इसको फैलाएंगी। और साथ में मैं बहुत खुश हूँ कि रेस्ट ऑफ द पीपल जो है वो मेल है, ताकि वो इसको और ज्यादा फैलाएंगे। ठीक है, सो ये एक मोटा मोटा जो है फैक्ट्स है वुमेन हेल्थ से रिलेटेड, क्यों हमको अवेयरनेस की जरूरत है, क्यों जो है हमें वुमेन की हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, उसका ये कॉज है। एंड नाउ कम टू द पॉइंट कि हमारा जो फीमेल है क्या क्या ऐसे मेन, वैसे बहुत सारे कॉजेज ऐसे हैं जिससे फीमेल जो है वो परेशान रहती है, लेकिन जो मेन कॉजेज हैं वो मैं उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान जो है वो खींचना चाहती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी जो मम्मी लोग हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नेग्लेक्ट करती है अपनी हेल्थ को। कैसे करती हैं, वो चाहती नहीं है कि वो बीमार हो, बट यही है कि पहले बेटा रो रहा है तो उसको पहले खिला दे, हम बाद में खा लेंगे, तो खाना स्किप हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं अच्छी चीज आई है तो बच्चों में बांट दें, हम नहीं खाएं, तो डेफिशिएंसी हो गई न्यूट्रिशंस की भी। मेडिसिंस भी नहीं लेना है क्योंकि पैसा खर्चा होगा, तो फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई। तो छोटे छोटे बहुत सारे जो है फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं साथ में, और फिर उसके बाद में ये चीजें एक या दो दिन में या हफ्ते भर में नहीं पता चलती। जब आप बहुत लंबे समय तक इस चीज को फॉलो करते हो, कोई भी एक इंसान है जो अपना ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो आज स्किप करेगा, कल स्किप करेगा, नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो जो है स्किप करेगा, तो उसको इतना ज्यादा नहीं पता चलेगा। बट यस, अगर वो महीनों से और सालों से ये चीज करता आ रहा है, तो वो अल्टीमेटली जो है अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए, वो उसको कहीं ना कहीं स्किप कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है वो एक या दो दिन में खाना स्किप करने से या मील स्किप करने से नहीं होता है। ये जब आप रेगुलर डे बाय डे जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं, तो वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी के रूप में आती है, यानी कि कमियां उस चीज की आपको हो जाती है। और ये चीजें सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल में भी कॉमन है, बट फीमेल का क्योंकि आज हमारा टॉपिक है इसलिए मैं बार बार फीमेल से रिलेटेड जो वर्ड है वो बोल रही हूँ कि स्त्रियों के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट इज आयरन डेफिशिएंसी। जैसे कि मैंने बताया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है वो नहीं ले रही हैं, टाइम से खाना नहीं खा रही हैं, अपनी जो मील्स है वो स्किप कर रही हैं। और आयरन डेफिशिएंसी स्पेसिफिक बता रही है कि आयरन से रिलेटेड डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी है, उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो उनको मेडिसिन हमको देना पड़ता है, देना चाहिए, ताकि उनकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो जल्दी से जल्दी ऊपर हो। क्योंकि जब हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है, तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर आना, थोड़ा सा चले और थकावट हो गई, सीढ़ियां जैसे ही चले तो हमारा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लग गया, हमें थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर आता है, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन छूटता है, हमें गर्मी सहन नहीं होती। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन लेवल कम होने की वजह से जो है हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। और एट लास्ट वही जैसा मैं बताती आई हूँ कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप मेंटली फिट नहीं हो पाओगे, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप फिजिकली भी फिट नहीं हो पाओगे। ये चीजें आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग होता है मेंसेस के टाइम पे, बहुत सारी फीमेल है जिनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, डिसमेनोरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारी फीमेल्स है जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं। देखिए मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, अगर आपके पास कोई भी फीमेल केस आता है
रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई भी चीज उनको अगर हो रही है तो सबसे पहले आपको पूछना है कि आपका महीना रेगुलर आता है कि नहीं आता है। एक हेल्दी फीमेल का सबसे अच्छा जो पॉइंट है देखने का कि वो फिट है कि नहीं है, इस कि उसके मेंसेस जो है वो रेगुलर होंगे। अगर किसी भी फीमेल के मेंसेस जो है वो रेगुलर नहीं है, चाहे वो दिन कम हो रहे हैं चाहे वो दिन बढ़ रहे हैं, मीन्स उनकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैथोलॉजी जरूर हो रही है, चाहे वो थायराइड से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइब्रॉइड से रिलेटेड हो, चाहे वो ओवरी में सिस्ट हो, या कोई भी हॉर्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो, कुछ ना कुछ। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट हिंट यही मिलेगा कि उनके जो मेंसेस हैं वो डिस्टर्ब होंगे, चाहे उनको 15 से 20 दिन में पीरियड्स आ जाएंगे या फिर उनको 30, 40, 45, 50 डेज तक नहीं आएंगे। बहुत सारी फीमेल्स होती है जिनको पीसीओडी पीसीओएस की शिकायत होती है तो उनको 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। और कई बार वो ये समझ बैठती हैं कि उनको दिन चढ़ गए, यानी कि प्रेगनेंसी उनको हो गई है, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। अभी रिसेंटली अभी अपने पास एक केस आया था कि फीमेल को लग रहा है कि उनकी प्रेगनेंसी है, लेकिन उनको लगता है कि महीना बढ़ता है और फिर उसके बाद में जो है बच्चा गिर जाता है, जबकि बच्चा नहीं गिरता है क्योंकि आपने कंसीव नहीं किया है, आपको पीरियड्स ही लेट आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ये कारण है अनअवेयरनेस का कि उनको ये चीज पता ही नहीं है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसकी मेंसेस जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब मिलेगी, चाहे उसको बहुत लेट पीरियड्स आएंगे चाहे बहुत जल्दी पीरियड्स आएंगे, चाहे उसको बीच में स्पॉटिंग होगा या फिर उसको बहुत ज्यादा जो है वो ब्लीडिंग हो रही है। तो इस तरीके के जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है ये भी फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हाइजीन। रिप्रोडक्टिव हाइजीन का मतलब ये है कि आपको क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपको उसके लिए लोकल वॉश का भी यूज करना है, ठीक है। इस चीज को आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ठीक उस तरीके से जैसे हम लोग किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, है ना, फीमेल है क्योंकि लेडीज है तो जाकर के वॉशरूम उनको यूज करना है। सी, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो मेल का यूरेथ्रा होता है वो होता है बड़ा, ठीक है, और फीमेल का यूरेथ्रा होता है छोटा। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई एक बड़ी पाइप है और एक छोटी पाइप है, तो अगर कोई बैक्टीरिया या कोई भी वायरस या कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कहाँ ट्रेवल कर पाएगा, बड़ी वाली पाइप में या छोटी वाली पाइप में? सबसे इंपॉर्टेंट हमको पता है जो छोटी वाली पाइप में वहां बहुत जल्दी से जो है इन्फेक्शन पहुंच जाता है, क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है, क्योंकि यूरेथ्रा इन्फेक्शन इन्फेक्ट हुआ तो वेजाइना भी इन्फेक्ट होगी, उसके आसपास के जो भी है ऑर्गन्स सभी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, दर्द हो जाएगा, पेशाब करने में तकलीफ होगी। तो ये हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि अगर आप कहीं भी पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो पहले उसको फ्लश कर दें सो दैट वहाँ के जो बैक्टीरियाज हैं वो फ्लश आउट हो जाए, फिर आप जो है वो टॉयलेट यूज करें। और बीइंग अपना मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन ना, हमको भी टॉयलेट यूज करने के बाद में फ्लश करना है सो दैट अपने से बाद में जो आने वाला है उसको जो है वो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये रिप्रोडक्टिव हाइजीन का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है कि किस तरीके से आपको अपनी रिप्रोडक्टिव हाइजीन का ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, चाहे वहां से कोई डिस्चार्ज हो रहा हो। कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिल्कुल जो है व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है, दही जैसा गाढ़ा डिस्चार्ज है, ब्लड के फॉर्म में जो है डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रीन कलर में डिस्चार्ज हो रहा है, ऑरेंज कलर में डिस्चार्ज हो रहा है, किस तरीके का डिस्चार्ज है, आपको ये चीज नोटिस करना है, तभी आप जो है उस चीज से रिलेटेड जो है क्या उसका ट्रीटमेंट है या उसका क्या सोल्यूशन है उसको आप कंप्लीट जो है कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है दैट इज टोटली नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी लेडीज जो होती है जो सफेद पानी का शिकायत लेकर के आती है कि हमको ल्यूकोरिया की जो है प्रॉब्लम है, सफेद पानी जाता है, तो जो जनरली हम लोगों को ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे भी हमको थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है, और आफ्टर मेंसेस भी हमको थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि छोटे छोटे डिस्चार्ज होना बहुत जरूरी है हमारी वजाइना, हमारी सर्विक्स और वहां का जो इन्वायरमेंट है उसको एक जैसा रखने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है वजाइनल वॉश वगैरह का भी यूज हमको नहीं करना है, एक्सेसिव यूज नहीं करना है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक्सेसिव आप यूज ना करवाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉश करने से वहां का जो एसिडिक मीडियम और जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हाइजीन से रिलेटेड आपको ये सारे पॉइंट्स जो है ध्यान रखना है। कोई भी पेशेंट आपके पास आती है
सफेद पानी का शिकायत लेकर के कि मुझे सफेद पानी जाता है या मुझे ल्यूकोरिया की शिकायत है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उनको बोलिए जो दवाई है वो हम देंगे, उनको लोकल वॉश के लिए भी बोलिए कि आप वहां पे जो है लोकल वॉश करें। आप बीटाडीन का जो पानी रहता है उससे कर सकते हैं, कॉटन लगा करके जो बीटाडीन है, अगर वल्वा पे ही सिर्फ अगर इन्फेक्शन हुआ है तो एटलीस्ट बीटाडीन लगाएं और अपने डॉक्टर के पास जाएं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट इज सोशल स्टिग्मा। भाई हमको पता है कि फीमेल्स बहुत ज्यादा जो है बातें शेयर नहीं करती है, बताती नहीं है कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें इस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या हमें प्राइवेट पार्ट में ईचिंग हो रहा है या पेन हो रहा है या कुछ भी, क्योंकि समाज में ये समझा जाता है कि इस तरीके की जो फीमेल्स है वो अच्छी नहीं है, इस तरीके की जो फीमेल्स है वो कैरेक्टर लेस है या जो भी एक्स वाई जेड। लेकिन हम लोग क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड, हम लोग हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हमारे पास मेडिसिन्स है, हमारे पास नॉलेज है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ऐसी फीमेल्स को एडवाइस करें, सही एडवाइस करें, सही गाइड करें कि आप ये चीज ले सकते हैं, इसकी वजह से जो है ये चीज ठीक हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि हमको इनको बता के क्या करना है, हमारा थोड़ी ना कोई फायदा होगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, वो अवेयर नहीं है, तो एक बार आप उनको ये चीज बताएं कि ये ऐसा नहीं होता है, ये इस तरीके से होता है, महीना अगर बढ़ रहा है तो आप उनको ये बताएं कि जांच करवाओ, अगर बहुत समय से अगर महीना लेट आ रहा है तो आपको हो सकता है कि थायराइड का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम है, या आपको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको बताएं कि ये चीज हेल्दी नहीं है, रेगुलर मेंसेस आना, ठीक है। ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स होती है। ब्रेस्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, छोटा सा कोई आपको नोड्यूल दिख रहा है, छोटी सी गठान दिख रही है, ऐसी फुंसी हो गई जहां से पस निकल रहा है, ऐसी फुंसी हो गई जहां से पानी जैसा निकल रहा है या खून निकल रहा है, तो ये छोटी छोटी जो ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हमको नेगलेक्ट नहीं करना है, हमको इग्नोर नहीं करना है। तुरंत अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हमको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके हम लोग देख सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। नेक्स्ट इज डेली डेली स्ट्रेस। सी, अगर कोई भी लेडी है, जैसे कि आप है, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप जाते से ही आपको चक्कर आ गया है, आप बैठ के अपना काम कर रहे हैं, खड़े होके फिर आपको चक्कर आ गया है, आपको इस तरीके से इरिटेशन हो रही है, तो आपको स्ट्रेस होगा ही, ठीक है। जो आप काम करना चाहते हैं, जो आप बहुत अच्छे से बहुत इजीली अगर काम कर सकते हैं और वो काम करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को सोचेंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इस तरीके की चीजों को इग्नोर नहीं करना है। स्ट्रेस का मतलब ये है कि जबरदस्ती बहुत ज्यादा सोचने वाली बातें नहीं, बट स्टिल जो बोलते हैं ना कि सावधान रहें, सतर्क रहें, आप लोग सावधान इंडिया तो देखते ही होंगे, है ना, तो उसमें जिस तरीके से बोलते हैं कि एक जो दस्तक होती है ना, वो बताते हैं कि एक हिंट थी, अगर इस चीज पे अगर आप ध्यान देते तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती। तो अगर आपने देखा कि मेरे साथ पिछले 1 हफ्ते से, 10 दिनों से, 15 दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे बार बार जो है चक्कर आ रहा है, या फिर मुझे 6-7 महीने से जो है रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या मेरा बहुत ज्यादा जो है अचानक वेट गेन हो गया, जबकि मेरी लाइफ वैसी ही चल रही है, ऐसा नहीं है, बहुत अगर हम सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं और हमारा वेट गेन हो रहा है तो दैट इज नेचुरल, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, रेगुलर वैसा ही काम कर रहे हैं और अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो वो नॉर्मल चीज नहीं है। तो उस चीज में एक तरीके से देखा जाए तो आपको फटाफट उसके लिए एक्शन लेना है, जाके अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना है। नेक्स्ट इज हेयर फॉल। बहुत सारे जो पेशेंट्स रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की, बहुत सारे जो पेशेंट्स रहते हैं वो आते हैं कि हेयर फॉल, और महिलाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि उनको जो है हेयर फॉल होता है, तो इसको तो मैं नहीं भूल सकती थी, मुझे याद आया इसलिए मैंने इसको डाला, और इसको इसलिए डाला क्योंकि ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। बहुत सारी लेडीज आती हैं, वो बोलती हैं कि हमें हेयर फॉल हो रहा है, आप कुछ अच्छा सा दे दो हमको ताकि हमारे बाल नहीं झड़े। सी क्या होता है, आयुर्वेद में जो हमारी धातुएं हैं, है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो हर आचार्य ने अलग अलग, जैसे अस्थि की उप धातु में बाल आते हैं हमारे, जो केश जिनको बोलते हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर से धातुएं ही कमजोर होगी तो आपके बाहर से बाल, आप कितना भी आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा लो, चाहे आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा लो, वो ठीक नहीं होंगे।
लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि केराटिन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप शैम्पू से जो है अपने हेयर्स जो है वो वॉश ना करें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऑयलिंग ना करें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी ये अगेन हाइजीन में आती है। यू हैव टू क्लीन योर हेयर रेगुलरली, है ना, 3 से 4 डेज के बीच में आपको हेयर वॉश करना है तो। लेकिन आपको न्यूट्रिशन भी बराबर रखना है ताकि वो आपको हेयर फॉल जो है वो कुछ अमाउंट में जो है वो कम हो जाएगा। एंड लास्ट क्या है, मीनोपॉजल सिंड्रोम। मीनोपॉजल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जब महिलाओं को महीना बंद होने वाला होता है, जब महिलाओं को महीना बंद होने वाला होता है उस समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनको चिड़चिड़ापन छूटता है, ठीक है, उनको सिर दर्द होता है। बहुत सारी लेडीज को जो है सर दर्द होता है, बुखार जैसा भी लगता है, उनका जो मुंह है उनको लगता है कि थोड़े थोड़े समय में मुझे गाल जो है वो लाल हो रहे हैं। कभी कभी महीना बहुत समय से नहीं आता है, कभी कभी रेगुलर जो है पीरियड्स उनको आते हैं। तो मीनोपॉजल सिंड्रोम एक तरीके से देखा जाए तो ये स्पेशली जो मेल्स है हमारे आज के सेशन में वो ध्यान दे कि जो महिला चिड़चिड़ी हो रही है, परेशान हो रही है और आपको पता है कि इनका मीनोपॉज आने वाला है, वो एज इनका चल रहा है, तो उस चीज को इरिटेट होकर ना लें कि ये तो नाटक कर रही है या ये मजाक कर रही है या ये सीरियस नहीं है। कहीं ना कहीं उस चीज को समझने की कोशिश करें कि क्या इनको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है कि इसकी वजह से इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज, जैसे कि ये लेडी है, देखिए सर से पैर तक जो है पूरा इसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से लेडी को क्या कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। सेम प्रॉब्लम जो है वो मेल में भी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबसे अपना लेफ्ट साइड से ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, तो रेस्पिरेटरी डिजीज जेंट्स को भी होती है, मेल को भी होती है, बट स्टिल उसके साथ में एक फैक्टर इन्वॉल्व है कि वो स्मोकिंग करते हैं रेगुलरली। फीमेल स्मोकिंग नहीं करती है, स्टिल उनको होता है, क्यों, चूल्हा वगैरह जो चलाती हैं लेडीज जो गांव की रहती है, ठीक है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उनको नहीं होती, बट आजकल हमारे इसमें चूल्हा जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना कॉमन नहीं है क्योंकि हम लोग जनरली जो अपना गैस वगैरह यूज करते हैं, सिलेंडर जो है गैस और चूल्हा, सिलेंडर चूल्हा यूज करते हैं। लेकिन स्टिल रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो है वो अफेक्ट करती है 47% जो वुमेन है उन लोगों को, चाहे उनको अस्थमा हो, चाहे इम्फाइसिमा हो, चाहे क्रोनिक जो है ब्रोंकाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, ठीक है। तो ये सभी हार्ट से रिलेटेड डिजीज है। साइनोसाइटिस को इन्होंने बता दिया है यहाँ पे हार्ट, बट जबकि साइनोसाइटिस जो हमारे यहाँ पे जो बोन्स रहती है फेस पे ना, यहाँ सिर के ऊपर, ये गालों के यहाँ पर, ठीक है, नाक के पीछे की तरफ, यहाँ पे जो बोन्स रहती है वो खोखली होती है, मतलब उसके अंदर जगह खाली है। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो बोन बताई है तो ये इस तरीके से मेरे अंदर है ना, यहाँ पे इस तरीके से सेटल है और ये पीछे इसके अंदर जो है वो खाली है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड रहता है। कुछ भी इन्फेक्शन हो जाएगा, मान लो इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ सिक्रीशन होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी और वो जो है वो हमारी नाक और मुंह से जो है बहेगा। तो इस तरीके से साइनोसाइटिस का भी प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल्स के अंदर कॉमन पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, जैसे कि मैंने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेस्ट से रिलेटेड चीजों पे ध्यान देना, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर, यस, आप सभी को बता सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो है वो क्योरेबल है, वो ठीक हम लोग कर सकते हैं। अभी तक जितने भी कैंसर्स वगैरह हैं उन सभी में हमको उतना जो है रिजल्ट नहीं मिलता है, बट जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत जल्दी जो है वो आराम मिल जाता है, उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है, वो ऑपरेट, सर्जरी, रेडियोथेरेपी जो भी होता है वो सभी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि जब आप अपने स्टार्टिंग 40s में हो, जब आपकी मम्मी या आपकी वाइफ या कोई भी 40 या 49 तक की एज में होंगे तो उनको मेमोग्राफ करवाने के लिए आप बोले, मेमोग्राम जो है वो जिस तरीके से हमारा यूएसजी होता है बॉडी के अंदर ना, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, सारे जो ऑर्गन है उसको स्कैन करने के लिए, वैसे वैसे ही एक मशीन होती है मेमोग्राम, यानी कि जिसमें ब्रेस्ट जो है उसके ऊपर वो लोग स्कैन करते हैं और हमें बताते हैं कि अंदर कोई ट्रैक तो नहीं बना है, अंदर कोई नोड्यूल तो नहीं बना है, अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। और हमारे जो 20s और 30s की जो एज के हैं उन सभी लोगों को इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम से अपना जो है रेगुलर बेसिस पे ब्रेस्ट एग्जामिन करें, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जो है ये करते हैं। नी पेन से रिलेटेड फीमेल्स जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। नी पेन से रिलेटेड क्यों है, इसका क्या रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका वेट बढ़ रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी मसल्स जो है वो वीक हो रही हैं, अल्टीमेटली आपकी बोन्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है और आपकी बोन्स जो है वो घिस घिस करके खराब हो रही है, तो आपको नी पेन होगा।
ठीक है, नी पेन जो है और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली शिकायत जो है वो मेनली फीमेल्स में बहुत ज्यादा जो है वो पाई जाती है. नेक्स्ट फुट पेन, सबसे इंपॉर्टेंट, अनकंफर्टेबल अगर आप पहनेंगे शूज या कोई भी फुटवेयर है तो आपको आपके हील में या फिर आपको आपके फुट में प्रॉब्लम होगी. जो आपके सोल है वो हो सकता है कि आपको बर्निंग सेंसेशन दें, पेन दें, है ना, टिंगलिंग सेंसेशन दें. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. आप अपने फुटवेयर जो हैं अपने कंफर्टेबल के अनुसार पहने, ना कि किसी को दिखाने के लिए पहने और परेशान उसके लिए होते रहें. रेगुलर जो है, हम लोग अगर ऐसे अनकंफर्टेबल फुटवेयर पहनते हैं या ज्यादा हील्स पहनते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा फुट होता है वो भी डिफॉर्मिटी का शिकार होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ जो है परेशानियां आती है. नेक्स्ट इज माइग्रेन. सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि फीमेल्स जो है माइग्रेन मतलब सिर दर्द, माइग्रेन हम एक टर्म बताते हैं जैसे इसके अंदर सिर दर्द होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर दर्द होता है, इसमें वॉमिटिंग भी होता है, आपको चक्कर भी आता है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा भी आता है. तो ये एक बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार मुझे मैसेज करिए प्लीज. हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, ठीक है. मुझे लगा कि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है तो आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है. मेरे इस पे एक आइकन आया है. सब सुनाई क्लियर दे रहा है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, ओके, ठीक. नहीं तो फिर मैं रीजॉइन करती इसलिए. ओके, कूल, ठीक है. तो ये सारी चीजें, जैसे माइग्रेन में मैंने बताया कि सिर्फ एक हेडेक जो है वो नहीं होता है, उसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि वॉमिटिंग, जैसे मैंने बताया, हॉट फ्लशेस जो है वो आते हैं. तो फीमेल जो है माइग्रेन से रिलेटेड जो है वो भी बहुत एक प्रोन है कि उनको बहुत ज्यादा जो है ये चीज उनको मिलती है. थायराइड प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को होती है, क्योंकि हमको पता है कि किस तरीके से जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी पूरी बॉडी में, सिर्फ फिजिकल ही नहीं, हमारा मेंटल भी और सेक्सुअल भी जो फंक्शंस है उनको अफेक्ट करता है. फिजिकल में तो अगर आप देखेंगे तो कोई किसी का वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा है जो है वेट कम हो रहा है, ठीक है, किसी को जो है मेंटल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो मेंटली बहुत ज्यादा इरिटेट रहता है, बहुत ज्यादा जो है वो परेशान रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी बॉडी के साथ में कुछ भी अंदर चेंजेस होंगे तो वो सेटिस्फाइड ऑफ कोर्स नहीं रहेगा. तो फीमेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होते तो सबसे ज्यादा उनका जो मेंसेस होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा जल्दी उनको आने लगेंगे या बहुत फ्रिक्वेंट टाइम पे उनको आने लगेंगे, या फिर जो है उनके मेंसेस जो है वो लेट आते हैं, डिले हो जाते हैं. ठीक है, आप लोगों को एक बार और मुझे प्लीज मैसेज करिए, मुझे ये क्यों आ रहा है, आवाज अच्छा नहीं आ रहा है. ओके, आप और बाकी सभी को आवाज नहीं आ रही है कि सिर्फ एक ही है जिनको आवाज नहीं आ रही है? प्लीज मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए सो दैट हमारा टाइम जो है बचे. इसके अंदर आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? ओके, इट्स क्लियर, वॉइस इज क्लियर, यस, ठीक है, ओके. हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा हम लोग या तो वेट करें. ठीक है. तो मैंने जैसे बताया थायराइड जो ग्लैंड है, किस तरीके से थायराइड जो है वो अफेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों तरीके से जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बट फीमेल में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो अल्टीमेटली वो है आपके मेंसेस पूरी तरीके से अफेक्ट होंगे, चाहे आपको हाइपर थायराइडिज्म है चाहे आपको हाइपोथायराइडिज्म है. हाइपोथायराइड के लिए आपको रेगुलर जो है वो मेडिसिन लेना रहती है, उसकी डोज हम लोग कम ज्यादा कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए उसको रोक देते हैं. बट अगर किसी भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके शरीर में जिसकी कमी है आप बाहर से उस चीज को ले रहे हो ताकि आपकी बॉडी के जो सारे फंक्शन है वो रेगुलर चलते रहें. ठीक
ठीक है, तो इसलिए थायराइड प्रॉब्लम्स जो है वो भी बहुत ज्यादा जो है 5 to 8 times जो है मोर कॉमनली है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। देन हार्ट डिजीज, जैसे कि मैंने अभी लास्ट में बताया था, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंतर्गत ही आएगी हार्ट डिजीज। हर 4 में से 1 महिला जो है वो हार्ट डिजीज से जो है सफर करती है, ठीक है। ओबेसिटी, 3 में से 1 महिला जो है वो ओबेसिटी, हमको पता है आजकल हर इंसान यही कंप्लेन लेके आता है कि हमारा वेट बहुत ज्यादा जल्दी गेन हो रहा है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर जो है उनको होता है। सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है कि कोई भी फीमेल है वो बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं देती है, ठीक है। और हर साल हमारे पास 11 से 12 हजार तक की जो महिलाएं होती है वो सर्वाइकल कैंसर से डायग्नोज होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि आपको इस चीज से अवेयर होना है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बात करें कि किस तरीके से जो है वो आपको ट्रीटमेंट इससे रिलेटेड दे सकते हैं, किस तरीके से वो आपको हेल्प कर सकते हैं ये सारी चीजें करने में, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये मैंने हेल्थ से रिलेटेड आपको बताया कि क्या क्या जो है फीमेल्स के अंदर जो है प्रॉब्लम्स होती है। नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्या चेकलिस्ट हम लोगों को पता होना चाहिए ना कि क्या चीजों के ऊपर हमको ध्यान रखना है, किन चीजों से हमको अवेयर होना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मंथली जो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमको करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आप याद रखिए, में एक बार जो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमको करना चाहिए। एनुअली जो है मतलब साल में एक बार हमको हमारे ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग करवाना चाहिए, ब्लड प्रेशर जो है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आपको थोड़े थोड़े टाइम के अंतर्गत आ करके और अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स जो है फेस जो लोग करते हैं उनको चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करवाना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था मेमोग्राम जो है वो इसी से रिलेटेड है, ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आई डिजीज के लिए आपको स्क्रीनिंग करवाना चाहिए एनुअली, यानी कि साल में एक बार आप अपना विजन टेस्ट जरूर करवाएं, हर 5 साल में। अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कॉलोनोस्कोपी आप करवा सकते हैं ना, ब्लड शुगर जैसे कि मैंने बता ही दिया है। पेल्विक एग्जामिनेशन में पैप्समियर, पैप्समियर हम लोग सर्वाइकल जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए, सर्वाइकल यानी कि ये गर्दन वाला सर्वाइकल नहीं है, ये सर्विक्स वाला सर्वाइकल है ना, सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल्स में जनरली मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने फिजिशियन से आपको बात करनी, अगर मीनोपॉजल आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी ओवेरियन स्क्रीनिंग भी आपको करवानी है, जैसे यूएसजी वगैरह कराते हैं तो उसमें पता चल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 40s जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम जो है मीनोपॉज से होती हुई फीमेल जो है गुजरती है और उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो हम नहीं समझ पाते कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली लाइफ में हो रही है, वो किस किस प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो ब्लू कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर बताया है कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो स्क्रीनिंग का मेथड क्या है, मेमोग्राम करवाइए, ठीक है, और कब अपने को ध्यान रखना है, कब आपको स्क्रीन करवाना है ना, 50s में है, 50 से 74 साल तक का जो अंतर है उसमें आपको हर 2-2 साल में जो है स्क्रीनिंग करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर जो है उसमें पैप स्मियर, एचपीवी टेस्ट आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 21 से 65 तक की एज लिमिट दी गई है, 30 से 65 तक की एज लिमिट दी गई है, ठीक है। कॉलन हो गया, लंग कैंसर हो गया, तो सी इतनी सारी चीजें याद नहीं रखना है। ये बताने का, ये कहने का मेन मोटो ये है कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज फील कर रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अफेक्ट कर रही है, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है, आपके जो डे टू डे लाइफ के जो काम है वो करने में बाधा उत्पन्न कर रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि आपको ये सभी जो टेस्ट है ये करवाने हैं। और आप खुद मत करवाइए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो बताएंगे कि डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रॉब्लम आपको कौन सा टेस्ट करवाना है। आपकी फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद में, आपसे बात करने के बाद में, आपकी हिस्ट्री लेने के बाद में, आपका स्केड्यूल जानने के बाद में वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, जैसे कि मैंने अभी मीनोपॉज की बात करी थी, मीनोपॉज में सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इश्यूज में क्या क्या आता है कि बहुत ज्यादा जो है वो फीमेल को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा घबराहट होती है, कोई भी काम करना है उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता
ओवर जो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा अगर किसी चीज में परेशानी हो तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा जो है वो परेशान होती हैं, डिप्रेशन आप उसके अंदर देखेंगे कि उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन वाली जो फीलिंग होती है वो आएगी, इरिटेबिलिटी होगी, बहुत ज्यादा जल्दी थक जाएंगी, मूड स्विंग्स है ना, किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये फिजियोलॉजिकल चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है कि हम किसी भी एग्जामिनेशन हम करवाएं कि हमने ये ब्लड टेस्ट करवाए तो उसके अंदर ये सारी चीजें देखने के लिए आएगी। ये सभी आप उनके मूड से, उनके बिहेवियर से चेक कर सकते हैं। जबकि फिजिकल जो है, फिजिकल में क्या होता है कि आपको ये सभी दिखाई देगा कि उनको हॉट फ्लशेज, उनका जो एकदम चेहरा जो है लाल हो गया है, बहुत जल्दी जो है उनको पसीना आ जाता है रात में जब वो सोती हैं, रिड्यूस लिबिडो, उनको सेक्स करने की इच्छा नहीं होगी, वेट जो है वो बहुत ज्यादा गेन करेंगी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वेजाइनल ड्राइनेस उनको मिल सकती है, बहुत ज्यादा गैस की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक मोटा मोटा क्या क्या जो है मेनोपॉज में, मेनोपॉज हुआ नहीं है, मेनोपॉज होने वाला है। सी फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आज महीना आया और अगले महीने मेनोपॉज आ गया। मेनोपॉज जो है वो एक फेज होता है जिसको हम लोग पेरी मेनोपॉज फेज बोलते हैं, जिसमें हो भी सकता है कि कोई महिला को 4 महीने लगे, किसी महिला को 6 महीने लगे, किसी महिला को साल भर लगे, ठीक है। तो वो उस समय में पूरी तरीके से जो उसके अंदर हार्मोन्स का जो ऊपर नीचे, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटी बच्ची जो है वो बड़ी होती है और उसका प्यूबर्टी का फेज आता है, जब उसको मिनार्की स्टार्ट होती है यानी कि उसके मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तब उसकी बॉडी के अंदर कितने हार्मोन्स जो है वो चेंज होता है और हम बोलते हैं कि टीनेज लाइफ चल रही है और हमें बच्चे को ध्यान रखना है, हमें बच्चे का किस तरीके से वो परेशान होता है, इरिटेट होता है, खुद से लड़ता है अपने हार्मोन्स की वजह से। तो ठीक उसी तरीके से जो ये पेरीमेनोपॉज़ल जो फेज होता है कि अभी मेनोपॉज आने वाला है, ये वो वाले फेज की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउ कम मेडिसिंस, बहुत सारी जो है हमारे पास मेडिसिनल सपोर्ट है, किस तरीके से जो है एडिकार्डियल टैबलेट और एडिकार्डियल सिरप जो है वो काम करता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको रेगुलर करता है, एमिनोरिया अगर है, ल्यूकोरिया है, फाइब्रॉइड्स है, सिस्ट है, ठीक है, अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर इन्फ्लामेशन सफर कर रही है तो इन्फ्लामेशन उसको भी ठीक करेगा, डिसमिनोरिया में भी हेल्प करेगा, मतलब कि उनको महीने से रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी है तो हम लोग उनको पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप लें, डिपेंडिंग उनकी प्रॉब्लम क्या है, ये ना कि ये सारी प्रॉब्लम्स करते हैं, बाकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं, बॉडी को रिजुविनेट करते हैं, यूटेराइन एक तरीके से जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि जैसा लीवर टॉनिक होता है, ठीक उसी तरीके से यूटेराइन टॉनिक भी होता है, इसके अंदर अशोक, लौद्र, गुड़ुची, पुनर्नवा, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है डली हुई है। एडिकार्डियल जो टैबलेट है उसके अंदर भी अशोक है, लौद्र है, शतावरी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक एडिशनल चीज जो एडिकार्डियल टैबलेट के अंदर है वो क्या है, प्रदरांतक लोब, ठीक है, ठीक है, किस तरीके से जो है एक्स्ट्रा में चौप चीनी, विधारा, माजू फल, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा मतलब टैबलेट एडिकार्डियल के अंदर जो है डली हुई है। हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों का नाम सेम है तो दोनों मेडिसिन एक ही है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन सेम है, बट टैबलेट में जो टैबलेट फॉर्म है इसके अंदर और दूसरी एक्स्ट्रा चीज है, जैसे इसके अंदर फिटकरी भी डली हुई है ना, ये रस शास्त्र की औषधियां है, एक कास्ट औषधियां होती है और एक जो अपनी ये जो पेड़ पौधों वाली जो कास्ट औषधियां जिनको हम बोलते हैं, और एक होती रस औषधियां जिसके अंदर जैसे कि स्वर्णमाक्षिक हो गया, फिटकरी हो गया है ना, और भस्म जो है वो यूज होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा जो है हमारा इसके अंदर काम करेगा, किस तरीके से बॉडी जो है उसको बैलेंस करने में ये हेल्प करता है, तो ठीक उसी तरीके से हम लोगों को जो है पेशेंट को ये देना है। बहुत अच्छी मेडिसिंस है, बहुत ज्यादा जो है उसका एक्स्ट्रा काम है, बहुत ज्यादा जो है वो काम करती है फीमेल हेल्थ से रिलेटेड, अगर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनको महीना टाइम से नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट जो है वो महीना आ रहा है, उनको सिस्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से जो है हम लोग उनको ये वाली जो मेडिसिन है ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप ये वाली जो है मेडिसिन दीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट इज एचबी प्लस। जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल जो है, क्योंकि हर माह उसके बॉडी से इतना सारा जो है ब्लड निकल के जा रहा है, तो उसको हीमोग्लोबिन की कमी होगी ही होगी। उनको हमको एचबी प्लस मेडिसिन देना है। बहुत अच्छी मेडिसिन ये है। इसके अंदर सारी जो मेडिसिन है वो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें काम आती है। दाख, आंवला, मुलैठी, काली मिर्च, पिपली, अंजीर, अनार, बहुत सारी चीजें इसके अंदर डली हुई है। एचबी प्लस जो ब्लड को बढ़ाती है, मैं आपको फिर से एक चीज बताती हूँ, जो रक्त धातु होती है वो उष्ण चीजों से मिलके बनती है ना। जैसे कि अगर हम देखें तो काली मिर्च डली है इसमें, वो उष्ण होता है। पिपली उष्ण होती है, अंजीर उष्ण होती है, लौंग इसके अंदर डला है जो कि उष्ण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सभी उष्ण है ना, तो ये गर्मी करेगा, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर आंवला भी डला हुआ है, मुलैठी डला हुआ है जो कि शीत वीर्य की होती है। ठीक है, भूई आंवला डला है, अनार डला है। तो ये एक एक जो मेडिसिन का कंपोजिशन होता है कि किस तरीके से जो मेडिसिन है वो यूज होती है हमारी बॉडी के अंदर और किस तरीके से अलग अलग काम करती है। ये सिर्फ हमारा हीमोग्लोबिन लेवल ही नहीं बढ़ाती, बल्कि भूख को भी बढ़ाएगी, अनीमिया को तो ठीक करेगी, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगी। लीवर को जो है, लीवर की हेल्थ के लिए भी एच बी प्लस जो है हमारा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब जैसे आंवला है, तो आंवला में बताया ही है कि एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, रिच सोर्स है विटामिन सी का। ठीक है, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, अपने स्किन को अच्छा रखेगा, अपने हेयर्स के लिए बहुत जो है वो अच्छा हेल्प करता है। तो दिस इज आंवला। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीविटामिन्स, अपने सुपर फूड, कैल्शियम, ये सारी जो है मेडिसिन, ये इस तरीके की मेडिसिन है जो हमें हमारे डेली सप्लीमेंट्स में लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग रेगुलर जो है कैल्शियम नहीं ले पाते, हम रेगुलर जो है हमारा न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम नहीं ले पाते हैं। तो हम हमारे जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को मल्टीविटामिन्स बोल सकते हैं, कैल्शियम लेने के लिए बोल सकते हैं, सुपर फूड जिसके अंदर, जैसे कि आप देख ही रहे कि क्या क्या इसके अंदर सेब डाला है, अलग अलग तरीके के चेरी, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो एक्सट्रैक्ट से मिलके जो ये बना गया है, इसीलिए इसका नाम सुपर फूड दिया गया है। तो हम लोगों को ये सारी चीजें इसलिए देनी क्योंकि अगर एक फीमेल जो है, और कोई भी एक्स वाई जेड फीमेल या मेल, जो कि अपनी डाइट, अपनी न्यूट्रिशन जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग उसको सुपर फूड लेने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज हम लोगों के पास में प्रीमियम सैनिटरी पैड्स है। जैसे कि मैंने अभी एक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड एक बहुत सारा कुछ बताया था। ठीक है, एक पॉइंट आया था किस तरीके से जो है मेंसेस से जो है फीमेल्स जो है वो कतराती हैं, वो घबराती हैं, वो नहीं बताती हैं, उनको गंदा कपड़ा जो है वो यूज करने से बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सारे जो लोग हैं हमारे आसपास में उनको गाइड करना है कि किस तरीके से जो पैड्स हैं, सैनिटरी पैड्स, वो हेल्प करते हैं, इसकी 8 लेयर्स किस तरीके से जो है इन्फेक्शन नहीं होने देती, किस तरीके से लीकेज नहीं होने देती, किस तरीके से हमको जो है ईचिंग फ्री करती है, किस तरीके से हम रैश फ्री हो सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रमोट करना कि आप लोग सैनिटरी पैड्स यूज करें। आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि मेंस्ट्रुअल कप वगैरह हो गया, टेम्पॉन्स यूज करें। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि टेम्पॉन्स जो है वो अच्छे नहीं होते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज इंसर्ट कर रहे हैं जो जाके एब्जॉर्ब करके ब्लड को फूल जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर से वो फूला हुआ जो है टेम्पोन में, क्या होता है कि हम उस पतली सी एक सिलेंड्रिकल चीज को अंदर डाल देते हैं, फिर वो फूल जाता है। वो फूल जाने के बाद में हम उसको थ्रेड से जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जब इतनी समय तक वो प्रेशर में रखेगा हमारी बॉडी के ऑर्गन को, और एकदम से जब हम उनको खींचते हैं, तो फिर वहां पे जो प्रेशर रिलीज अचानक से होता है, इसकी वजह से जो है वो काफी फीमेल्स को शॉक का सामना करना पड़ता है। वो लोग इस चीज को समझते नहीं है, तो हमें उनको गाइड करना है कि आप सेफ जो है वो चीज यूज करें। जिस तरीके से जो यहाँ पे पैड्स है वो कॉटनी है, किस तरीके से हमको रैश फ्री करेंगे, हम लोगों को ईचिंग नहीं होने देंगे। तो हम लोगों को बोलना है उनको कि आप गंदे कपड़े को यूज ना करके जो पैड्स है उनको यूज करें, सो दैट वो आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे, आपकी हाइजीन के लिए भी अच्छा है, आपको जो बार बार इन्फेक्शन होते हैं वो इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। ठीक है, सी ये अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, किस तरीके से, जैसे ये फीमेल है उसने बता रखा है कि सर्कुलर मोशन में, गोल राउंड शेप में आपको जो है हाथ लगा लगा करके प्रेस करके देखना है कि कोई लंप तो नहीं है, कोई नोड्यूल तो नहीं है, कोई फुंसी जैसा पार्टिकल तो नहीं है। ठीक है, ऊपर से नीचे डायरेक्शन में, अंदर से बाहर डायरेक्शन में आपको अपने ब्रेस्ट को एक एक करके प्रेस करना है। जिस तरीके से देखिए, ये जो
फोटो है, इसमें बताया गया है कि जब आप शावर लेंगे यानी कि जब भी आप नहाएंगे तब आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या जब आप लेटे हुए हैं तो इस तरीके से अपना हाथ जो है सिर के नीचे रख लें, और सिर के नीचे रखने के बाद में जो है आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। आप लोग प्लीज मुझे एक बार मैसेज कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। प्लीज आप लोग मुझे एक बार मैसेज करें ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, ओके आ रही है, ओके ओके ठीक है। तो ये जैसे कि मैं बता रही हूँ ब्रेस्ट के लिए कि हम लोगों को जैसे ये वाला नीचे लेफ्ट साइड में सबसे नीचे वाला मेरा एरो अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लेडी लेटी हुई है। ये कुशन है, ये तकिया है, तकिए को नीचे रख के इस तरीके से हाथ को रखना है और अपने जो ब्रेस्ट है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर से अंदर की तरफ और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जो है एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का करना है। चाहे आप मिरर के सामने खड़े होकर देख सकते हैं कि कोई डिफरेंस तो नहीं है साइज में, या कलर कहीं चेंज हो रहा है ब्रेस्ट का, या फिर कहीं हमको नोड्यूल दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक उठाव है, तो हम लोगों को फटाफट जो है हमारे जो कोई भी डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट करना है, उसके लिए एक प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट लेना है। निपल से कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो पस का हो, चाहे वो ब्लड का हो, चाहे वो वाटरी डिस्चार्ज हो, बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज के ऊपर ध्यान देना, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करे। कोई डिम्पल हो रहा है, कोई भी डिप्रेशन कहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया उठाव जो है वो नुकसानदायक है तो डिप्रेशन जो है वो भी नुकसानदायक है। ठीक है, साइज देख लेना है हमको। ठीक है, इस तरीके से जो है ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको करना है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना कब है, ठीक है, जब भी आपके पीरियड्स चले जाएंगे उसके बाद में आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। आप चाहो तो हर महीने में जब भी आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तब आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जिन फीमेल्स को टाइम बंद हो चुका है वो हर बार आप हाथ लगा के ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये एक बहुत ज्यादा इजी मेथड है कि आप खुद जो है उसको पता लगा सकें कि कुछ ना कुछ इसके अंदर परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम होने वाली तो नहीं है। क्योंकि जितना जल्दी आपको ये चीज के बारे में पता चलेगा उतना ही जल्दी जो है आप बाद में इस चीज के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे जल्दी ठीक होने के लिए। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ये सारा जो है टॉपिक हमारा था, और ये मैंने क्यों इतना सब बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि फीमेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे भी जो है इसने बता रखा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप एक हाथ उठाइए, ठीक है, अपने सिर से पीछे की तरफ एक्सटेंड उसको करना है। ठीक है, राइट हैंड से अपने को लेफ्ट ब्रेस्ट एग्जामिन करना है, लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, राउंड शेप में जो है मूव करना है। ठीक है, और फिर अदर ब्रेस्ट पे भी इसी तरीके से करना है। इररेगुलर अगर शेप है तो देखना है कोई डिम्पल तो नहीं हो रहा है, कोई निपल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, और इस तरीके से हम एक मोटा मोटा हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं किस तरीके से ये है। सो इनको तो आप सभी जानते हैं, हमारे रेस्पेक्टेड इंदिरा मैम हमारे कंपनी की CMD हैं, है ना, मिसेज इंदिरा अग्रवाल मैम है। तो इनको मैं क्यों आज बता रही हूँ कि अगर एक लेडी जो है वो हेल्दी है, मेंटली और फिजिकली फिट है, तो वो हेल्प कर सकती है हमारी बहुत सारी दूसरी जो चीजें हैं, नॉट ओनली सिर्फ हमारी घर की चीजें करने के लिए, बाकी फाइनेंशियली भी हमको सपोर्ट कर सकती है, हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, हमारे ऑफिस को सपोर्ट कर सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा फाइनेंस और जो बैक ऑफिस रहता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैकबोन है उस चीज की, कि वो किस तरीके से उन सब चीजों को मैनेज कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि वो खुद के ऊपर ध्यान देते हैं इसीलिए वो आज इतने आगे हैं कि वो आज बहुत सारे दूसरे लोगों को भी लेकर साथ में चल रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से मैन पावर के लिए काम करती हैं, किस तरीके से हेल्प करती हैं बहुत सारी ऐसी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफ के अंदर, हमारी कंपनी के लिए, हमारे एम्प्लॉयज के लिए। तो ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये हमारी चीयर लीडर्स हम लोग बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट लेडीज हमारी जो है कंपनी है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह से है, कोई उत्तराखंड से है, मिसेस कुसुम लता पांडे जी जो है उत्तराखंड से है, है ना, सस्मिता जी है उड़ीसा से है, प्रियांशा जो है वो उड़ीसा से है ना, छत्तीसगढ़ से, कीर्ति कुर्रे हैं, कितनी कम एज में जो है वो आगे बढ़ रही हैं, मिसेस रजनी है झारखंड से।
तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि ये लेडीज जो हैं ये अपनी हेल्थ, ऐसा नहीं है कि ये ध्यान नहीं दे रही हैं या ये अपनी फैमिली नहीं संभाल रही हैं या फिर ये पूरे समय घर पे ही रहती हैं या ये पूरे समय बाहर ही रहती हैं, घर को नहीं ध्यान दे रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को समझें। सिर्फ फीमेल की जरूरत नहीं है कि फीमेल की मतलब जो एक औरत रहती है सिर्फ उसी की जिम्मेदारी नहीं है घर संभालना, बांट करके जो है आप घर संभालें। किस तरीके से देखिए, मिसेस प्रशांति जी जो है तेलंगाना से हैं, है ना, आसाम से अनीमा जी हैं, केशरी जी हैं अपने एमपी से, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हमारे कंपनी की जो लेडीज हैं, कृष्णा जी हैं गुजरात से, है ना, मिसेस करुणा जी तेलंगाना से, तो अलग अलग स्टेट से जो हमारी सारी लेडीज हैं, ये किस तरीके से हमारी मतलब अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे रही हैं, अपने काम के ऊपर भी ध्यान दे रही हैं और हमारी सोसाइटी को भी आगे बढ़ा रही हैं, तो ये कैसे कर पा रही हैं? क्योंकि वो एजुकेटेड हैं खुद के लिए, वो अवेयर हैं खुद के लिए, ठीक है, उन्होंने इतना खुद के लिए समय भी निकाला है ताकि वो दूसरे लोगों के लाइफ के लिए कुछ ऐसा कर सके, लाइफ को सपोर्ट कर सके, बहुत अच्छा जो है वो काम कर सके। तो हैट्स ऑफ टू ऑल दीज लेडीज जो हमारे सामने इतना अच्छा काम करती हैं, हमारे लिए एक सीख बनती है। एंड लास्ट एट लास्ट आपको क्या ध्यान रखना है इस पूरे सेशन का जो निष्कर्ष है वो क्या है कि आपको ध्यान रखना है? डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की यही एडवाइस है कि आप बैलेंस डाइट लें, है ना, जो कि प्रोटीन रिच हो, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में इतना ज्यादा उसमें ना हो चलेगा, प्रोटीन से जो है उसके अंदर होनी चाहिए, इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाए, इस तरीके की डाइट जो है आपको कंज्यूम करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीजिए, फ्रूट जूसेस लीजिए, हेल्थ अपनी हेल्थ के लिए जो कॉफीज वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करिए, एक्सरसाइज कीजिए जितना हो सके, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड एट लास्ट जो वुमेन है, ये टाइम है ना, सबको खुद को पहले रखने का। बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी खुद उठ करके मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हैं और एक्सरसाइज करती हैं या प्राणायाम कपालभाति करती हैं, खुद के टाइम खुद की लाइफ के लिए कुछ भी करती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारी खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रही हैं। तो सी जैसे मैंने मेरा सेशन स्टार्ट किया था सभी लेडीज के साथ में जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, उसमें एजेड भी थी, उसमें टीनेजर भी थी, उसके अंदर यंग भी थी, तो उसी तरीके से जो हमारी लास्ट पिक है वो भी ऐसी ही है, जिसमें वृद्धावस्था वाली भी है, युवावस्था वाली भी है, प्रौढ़ अवस्था वाली भी है, बाल्यावस्था वाली भी है, तो अलग अलग जो हमारी एज एज की जो लेडीज हैं वो सभी इस चीज के लिए प्रमोट हो कि किस तरीके से उनको अपनी लाइफ को सपोर्ट करना है, किस तरीके से उनको ध्यान रखना है कि आप उस चीज को फॉलो करें जो जो चीजें मैंने बताई है। आई होप ये बहुत ज्यादा आप लोगों को काम आएंगी और आप बहुत ज्यादा जो है इस चीज के लिए लोगों को प्रमोट भी करेंगे। सो दैट्स ऑल, ये सेशन था अपना। अभी मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज तो ये कि आप लोगों को अपने साथ में एक डायरी रखना है। ये हमारा सेशन आज हुआ है, आप लोग प्लीज सिर्फ एक 5 मिनट और लेफ्ट ना करें, मुझे बात करनी है आपसे। सी कैसी मैं बता रही हूँ, कोई भी तरीके की, इस तरीके की जो डायरी है वो डायरी आप अपने साथ में रखिए। ये डायरी साथ में रखने का एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी सेशन स्टार्ट होता है आप अपनी डायरी और पेन के साथ रहिए। आपको ऐसी कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज है जो उसमें स्लाइड में नहीं दिखाई देगी, बट स्टिल अगर मैंने कुछ छोटा मोटा बताया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सभी को पता है कि अनिमिया से बचने के लिए हम मूंगफली दाना और गुड़ खाते हैं, तो आपने उसको लिख लिया ताकि आप ये चीज किसी को बता सकें। मूंगफली दाना गुड़ हो गया, गुड़ चना हो गया, चुकंदर में आप कभी भी खाएं तो चुकंदर में हमेशा नींबू निचोड़ के खाइए, क्योंकि जो आयरन वाली जो चीजें होती है ये हमेशा हमारी बॉडी में एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप डायरी में या पेज या पेन लेकर के बैठेंगे तो आप ये चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप याद करते हैं कोई भी चीज किसी को बताने के लिए, फिर आपके पास कोई सोर्स नहीं रहता, आपने लिखा होगा तो आप उसको फॉलो करेंगे। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज डायरी की ये है कि जब भी आप मुझे कॉल करते हैं या किसी भी डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं बात करने के लिए, तो अपने पास एक डायरी और एक पेन रखिए प्लीज,
क्यों? क्योंकि आप जैसे ही किसी पेशेंट के बारे में कुछ बता रहे हैं, मैंने मेडिसिन बताना स्टार्ट किया है, तो आप फिर पेन ढूंढने जाते हैं, फिर डायरी ढूंढने जाते हैं, रुकिए मैडम 2 मिनट मैं पेज लेके आता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि टाइम आपका भी खराब होता है, मेरा भी टाइम खराब होता है, बहुत ज्यादा जो है वो कॉल लंबी हो जाती है, और किसी दूसरे की जो है वो कॉल वेटिंग पे आती है, और हमारी कॉल खत्म होते होते तक सामने वाले की कॉल भी एंड हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को डायरी और पेन रखना है साथ में। ठीक है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी DJI ID साथ में लेके ही कॉल करेंगे प्लीज, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोगों को DJI ID याद नहीं रहती, वो लोग फोन नंबर लिखवाते हैं, डाटा पूरा कलेक्ट होता है किस तरीके से, किसकी आईडी से, हम लोगों को एक रीजन वाइज हम लोगों के पास एक आइडिया हो जाता है कि आप लोगों ने कहाँ से किस किसने कॉल किया है, किस कित कि, कितने कॉल कहाँ से आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ में DJI ID रखिए। जिसके पास नहीं है प्लीज एक स्लिप बना के अपने फोन पे लगा लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप DJI ID याद करें, बट आप एक ऐसी जगह लिख सकते हैं, या आप अपने पास डायरी और पेन जो रख रहे हैं उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दीजिए कि ये मेरी DJI ID है, ताकि कभी भी आपसे पूछे तो आप तुरंत DJI ID ढूंढने में टाइम ना लगाएं और तुरंत जो है वो DJI ID जो है मुझे बता दें। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आप रिपोर्ट्स भेजेंगे मुझे, रिपोर्ट्स प्लीज क्लियर सेंड करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरीके की रिपोर्ट्स भेजते हैं कि रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है, पेशेंट का नाम नहीं दिख रहा होता, उनकी एज नहीं समझ में आ रही होती है। ये सब चीजें छोड़ो, उन्होंने रिपोर्ट्स क्यों भेजी है? अगर हम रिपोर्ट्स ही नहीं पढ़ पाएंगे तो उस चीज का बाद में क्या असर होगा? ठीक है, तो आप लोग जब भी रिपोर्ट्स की पिक खींचें तो एक बार उस पिक को देख लीजिए, उस पिक्चर को देख लीजिए कि हम जिसको ये रिपोर्ट जो है वो भेजने वाले हैं, क्या वो इस रिपोर्ट को पढ़ पाएगा, क्या वो देख पाएगा कि उसके अंदर क्या नाम लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे चाहिए कि उसका नाम पेशेंट का लिखा हो, उसकी क्या एज है, क्या सेक्स है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि मेल है फीमेल है, दवाई की डोज कितनी होगी, इसको हमको क्या देना है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हम हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर जब भी पेशेंट को आप कॉल कर रहे हैं, अगर उनको आपको कॉन्फ्रेंस में लेना है, तो आप पहले पेशेंट को कॉन्फ्रेंस में लेके फिर आप मुझे कॉल करिए, ताकि हम अपना जो टाइम है वो बचा सके। ठीक है, और अगर आपके पास पेशेंट है तो आप पूरी डिटेल बताएंगे पेशेंट की, फिर पेशेंट पूरी डिटेल बताएगा, तो इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम खिंच जाता है। डायरेक्ट आप पेशेंट को कॉल दे दीजिए, सो दैट मैं उनसे डायरेक्टली बात कर लूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे पॉइंट्स बताने का मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि हमारा टाइम सेव हो, है ना, टाइम सेव हो, हम हमारी एनर्जी भी बचाएं और हम हमारा स्मार्ट वर्क करके दें। अगर हम 10 मिनट में, अगर मान लीजिए 3 पेशेंट को देख सकते हैं या 4 पेशेंट को देख सकते हैं, तो ये अच्छी चीज होगी कि हम 10 मिनट में 3 या 4 पेशेंट को देख पा रहे हैं। अभी ये हो रहा है कि अभी हम 10 मिनट तक सिर्फ एक ही पेशेंट में लगे रहते हैं, एक या 2 पेशेंट में, क्योंकि DJI ID मैडम ढूंढ रहे हैं, 1 मिनट रुकिए मैडम पेन लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप फिर से रिपीट कर दीजिए, तो वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम होता है। और जब कॉल्स मिस होते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो कॉल्स कब लगेंगे कब नहीं लगेंगे तो उसका कुछ पता नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंसली सुना, और बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट भी किया, और जिसने भी मैसेज किया है, राजकमल जी यादव, अच्छा आप सल्यूट कर रहे, थैंक यू सो मच। आई होप आपने अच्छे से सुना है लेक्चर और ध्यान दिया है, और आप इस चीज को फैलाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ बस घूम रहे हैं और आपने देख लिया है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और अभी आप लोग लीव कर सकते हैं। ये हमारा आज का सेशन था, गुड इवनिंग।